नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके व्याकरण का एक नवीन अध्याय और बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। शीर्षक है रस। रस शब्द सुनते ही आपके मन मस्तिष्क पर एक तरल, खट्टा, मीठा, तीखा ऐसा कुछ अनुभव आपको हो रहा होगा। बिल्कुल सही है। सामान्य अर्थ में रस जो है किसी भी चीज़ का निचोड़ या सार होता है, लेकिन काव्य या कहें कि साहित्य के अर्थ में रस अपने आप में बहुत ही कहें कि भावों को समेटे हुए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। परिभाषा देखिए इसकी। कहानी को या कहें कि कविता को पढ़ने, सुनने, नाटक को अभिनय देखने में पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस है। कहने का अर्थ रस जो है वो ब्रह्मानंद सहोदर है, आनंद स्वरूप है। और इसी रस के चार अंग या कहें कि रस रूपी शरीर को जो निर्मित करते हैं वे चार अंग होते हैं इसके। ये देखिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव, कविता या नाटक का आनंद लेने से हृदय के हृदय में भावों का संचार होता है। ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। सुषुप्ता अवस्था में रहने वाले ये भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं और रस रूप में परिणित हो जाते हैं। कहने का अर्थ यही है कि स्थायी भाव हमारे शरीर में पहले से विद्यमान होते हैं और जब हम कविता या नाटक का आनंद लेते हैं तो हमारे हृदय से वो भाव जो हैं वो संचरित होते हैं और ये सुषुप्त अवस्था में रहने वाले भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जो है एक तरह से प्रदीप्त हो जाते हैं और रस रूप में परिणित होकर के हमें उस आनंद से सरोबार कर देते हैं। तो मानव मन में अनेक तरह के भाव उठते हैं और ये जो स्थायी भाव हैं ये 9 प्रकार के माने गए हैं। ये देखिए यहाँ ये 9 रसों की एक सूची भी यहाँ संलग्न है। ये 9 रस हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा हास्य, करुण रस, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत रस। जैसे बेटा ये 9 रस माने गए हैं, इन 9 रसों के 9 स्थायी भाव भी होते हैं ना, जो इनके साथ संबद्ध होते हैं। जैसे कि श्रृंगार रस का है रति, फिर हास्य रस का है हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स का घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत रस का आश्चर्य, शांत रस का होता है निर्वेद। कुछ विद्वान वात्सल्य और भक्ति इनको 10वां और 11वां रस मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य रूप से रस जो हैं वो 9 ही माने गए हैं। 9 रस की ही बात की जाती है। अब देखिए हम